हेलो जी, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल ते जय सिंह जी। मेरे वालों मैं तुहाडा अपना देवहीर ते तुसी देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल देवहीर व्लॉग्स। ते जे तुसी इस चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो ते बैल आइकन नू ऑन करना ना भुल्यो ताकि तुहानू आने वाली हर एक नवी वीडियो की अपडेट अपने मिलती रहे। आओ शुरू करते हैं जी अज का किस्सा। अज का किस्सा मेरे नाल जिन्होंने साझा किया गुरप्रीत सिंह नाम आ जी। उन्होंने लुधियाना शहर के रहने वाले ने ते मैनू कल ही मिले ने। लुधियाना शहर के इनकम टैक्स ऑफिसर ने उन्होंने अपना एक किस्सा साझा किया। किस्से मेरे नाल उन्होंने काफ़ी साझे किए ने पर उन्होंने सब तो पहला मैं एक किस्सा थोड़े नाल साझा कर लग्या। कहिंदे कि मेरा भाणजा गुरप्रीत सिंह जी कहिंदे कि मेरा भाणजा ना बेंगलोर दे विच बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, बीमार हो गया, होस्पिटल एडमिट होया ते वेंटीलेटर ते हो गया। ते जी कहिंदे मैं जदों बेंगलोर उहदा पता लैण गया उत्थे जाके उहदी हालत देखी मैं बड़ा उदास होया कि इह किहड़ी हालत विच आ। ते कहिंदे यकीन सी मैनूं बाबा मुराद शाह सरकार ते साईं लाडी शाह सरकार ते। मैं उत्थे ही कहिंदे खड़े खड़े ने अपने मन दे विच अरदास कीती कि साईं लाडी शाह सरकार, बाबा मुराद शाह सरकार, इस बच्चे नूं ठीक कर दो, मैं सत्त वीरवार नकोदर आऊँगा। चलो जी अरदास कीती, मैं उहदा पता लैके मैं वापस लुधियाने आ गया। लुधियाने आके कहिंदे मैं अगले वीरवार तो शुरू करना सी जाना नकोदर। हुण कहिंदे की होया कि मैं जिहड़े पहले वीरवार नकोदर जाना सी तां मैं अपनी ड्यूटी दे विचों दुपहरे 1 बजे उत्थों ऑफिस चो निकल गया भी चल मैं 1 बजे जाना भी मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरे साहब दे आने तो पहला पहला मैं वापस आ जाऊँगा। 1 बजे कहिंदे मैं जदों निकलिया तो अद्धे रस्ते दे विचों ही मुड़ के वापस आ गया क्योंकि पिछों कॉल आ गई कि साहब आए ने। चलो जी मैं वापस आ गया। उस तो बाद अगला वीरवार जिहड़ा सीगा क्योंकि पहला वीरवार मेरे तो जाया ही नहीं गया उहनूं मैं गिणिया नहीं। अगले वीरवार कहिंदे जदों मैं गया मैं शाम नूं गया इत्थों 5 बजे शामी 5 बजे गया दरबार पहुँचया तो दरबार का दरवाजा जिहड़ा सी वह बंद हो गया कि मेरे तो सलाम नहीं कर हुई। वह कहिंदे नहीं तुसी लेट हो गए कि इस टाइम तो दरबार बंद कर दें असी वधा दें। चलो जी वह वीरवार मैं मत्था टेकया औखा सौखा हो के मेहनत तरले करके क्योंकि मैनू पता नहीं सी कि दरबार की टाइमिंग की आ। जदों मैं आ गया वापस पहले वीरवार उत्ते सलाम करके जदों मैं वापस आ गया ना आके फिर मैं सोचा कि नहीं जिद नाल नहीं कम होना कि मूहों कहता मैं दिता भी मैं सत्त वीरवार नकोदर आऊँगा पर इदा नहीं आया जाना साईं जी ने नहीं आन देना। मैं कहिंदे साईं जी दे अगे बेनती की अरदास की कि सरकार तुहाडे कोले आना तुसी लैके आना आ मैनू कुछ नहीं पता जिदा मर्जी करो मैनू सत्त वीरवार जिहड़े ने मेरे पूरे करा दो कि वह बच्चा ठीक हो जाए। कहिंदे जी अगले वीरवार तो साईं जी ने मेरे दिमाग दे विच इदां दी गल पाई कि शामी नहीं जाना दुपहरे नहीं जाना। मैं कहिंदे अर्ली मॉर्निंग उठ खड़ता सी 5 बजे 5 बजे उठ के मैं तैयार होकर सीधा नकोदर दरबार। नकोदर दरबार कहिंदे मैं सलाम करके वापस आके सीधा ऑफिस। इदां कहिंदे मैं 7 वीरवार पूरे किते। दरबार जाके मैं सलाम करके फोटो खिंच के मैं उन्हां नूं बच्चे दे घरदिआं नूं भी भेजदा सी कि सलाम करवा दो। 7 वीरवार पूरे होए तो 7 वीरवारां दे विच विच वह मुंडा वेंटीलेटर तो घर पहुँच गया बिल्कुल ठीक हो गया। इस साईं लाडी शाह सरकार की कृपा तो अपना यकीन गुरप्रीत सिंह जी का साईं जी दे उत्ते। हुण इदां आपां भी लोग कर लैंदे आ कि असीं सुख लैंदे आ कि असीं इदां आवांगे जां इदां जावांगे पर कई लोगों तो जाया नहीं जांदा तो लोग थक हार के बैठ जांदे ने कि नहीं बणदा प्लैन। पर मैं उन्होंने यही गल कहनी चाहना कि जदों तुसीं कोई चीज़ सुख दे हो उहदे विच अड़चना आउंदियां ने सिर्फ साईं जी की मर्जी दे नाल कि तू सुख तो लिया पर इहनू पूरा किवें करेगा मैं देखदा। तो जे तुसीं नहीं हारदे तो साईं जी मन जांदे ने कि तुसीं सच्चे मुरीद हो उन्हां दे। सो इह किस्सा गुरप्रीत सिंह जी का जे तुहानूं चंगा लग्गिया उन्हां दा यकीन उन्हां दा प्यार तो वध लाइक कमेंट ते शेयर कर दिओ जी। जय साईं जी।